मथुरा के जमुना पार में लोवन स्थित राजकीय हाई स्कूल में कक्षा 10 के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह में छात्र छात्राओं को विद्यालय की ओर से उपहार प्रदान किए गए और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, रैंप शो के साथ नृत्य भी किया गया, होनहार बच्चों को पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। प्रधानाचार्य ने अपने उद्बोधन में उनको एक अच्छा नागरिक बनने का संदेश दिया और परीक्षा को पूरे मनोयोग के साथ देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि छात्र अपने विद्यालय और परिवार के साथ ही गांव का नाम रोशन करें और जीवन में आगे बढ़ें। कार्यक्रम का संचालन बीनेश शर्मा ने किया। इस अवसर पर पूजा, बरखा, ममता, प्रियंका, ब्रजविलास और राजू आदि सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कक्षा 10 के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह आयोजित किया जा रहा है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने बच्चों ने बहुत अच्छे स्तर पर तैयारी करी है, ताकि जो हमारे कक्षा 10 के बच्चे हैं जो आज हमारे स्कूल से विदा लेंगे, अब आगे बोर्ड परीक्षाओं में जो है अपना परिणाम बेहतर अच्छा ला सकें, उसके लिए भी उनको मोटिवेट किया जा रहा है। उनको साथ साथ उनकी क्लासेस में उनको जो है टिप्स भी दी जा रही हैं और आशीर्वाद स्वरूप आज उनके लिए एक फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया, जिससे थोड़ा सा बच्चों का कक्षा 9 के बच्चे जो हैं उनको अपनी तरफ से विदाई देंगे। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है, साथ में उन बच्चों को फेयरवेल पार्टी के ऊपर लंच, उनके लिए गिफ्ट उन लोगों के लिए रखे हैं। और पूरे वर्ष भर जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन जिन्होंने किया है हमारी प्रतियोगिताओं में, जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर, राज्य स्तर पर भी हमारे बच्चों ने इस बार पुरस्कार लिए हैं, तो उन सभी बच्चों का हम सम्मानित भी करेंगे और ये ईश्वर से कामना करेंगे कि ये बच्चे आगे भी हमारे विद्यालय का रिजल्ट बेहतर से बेहतर लेके आए। जैसे पिछले वर्ष भी हमारे विद्यालय का रिजल्ट 87% था, हाईएस्ट परसेंटेज 85.4% थी। अब हम चाहेंगे हमारा स्कूल और इससे आगे की तरफ बढ़े, हमारे बच्चे और बेहतर प्रदर्शन करें। और जो मेरी शिक्षिकाएँ हैं, मेरे साथीगण हैं, उन्होंने सब ने बच्चों के साथ बहुत पूरे साल भर जो मेहनत करी है, आज उनके लिए भी मेरे लिए एक विशेष दिन है। उनके लिए भी मैं थोड़ा सा गेम रखा है, ताकि जो है उन टीचर्स को भी थोड़ा सा लगे कि हाँ आज वो कुछ थोड़ा सा फ्री, मतलब अपने आप को रिलैक्स महसूस कर सकें और वो भी इस कार्यक्रम का आनंद ले सकें। ऐसी हमारी भगवान से शुभकामनाएँ हैं, भगवान से हम लोग आशीर्वाद मांगते हैं, ठाकुर जी की कृपा रहे हमारे विद्यालय पर। और लोवन की जैसे कृष्णा कुंड वाली देवी माँ हैं, हम लोग सरस्वती के उपासक हैं, तो जो है हमारे बच्चे अच्छा प्रदर्शन करें, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। मथुरा के जमुना पार में लोवन स्थित राजकीय हाई स्कूल में कक्षा 10 के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह में छात्र छात्राओं को विद्यालय की ओर से उपहार प्रदान किए गए और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, रैंप शो के साथ नृत्य भी किया गया, होनहार बच्चों को पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। प्रधानाचार्य ने अपने उद्बोधन में उनको एक अच्छा नागरिक बनने का संदेश दिया और परीक्षा को पूरे मनोयोग के साथ देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि छात्र अपने विद्यालय और परिवार के साथ ही गांव का नाम रोशन करें और जीवन में आगे बढ़ें। कार्यक्रम का संचालन बीनेश शर्मा ने किया। इस अवसर पर पूजा, बरखा, ममता, प्रियंका, ब्रजविलास और राजू आदि सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कक्षा 10 के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह आयोजित किया जा रहा है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने बच्चों ने बहुत अच्छे स्तर पर तैयारी करी है, ताकि जो हमारे कक्षा 10 के बच्चे हैं जो आज हमारे स्कूल से विदा लेंगे, अब आगे बोर्ड परीक्षाओं में जो है अपना परिणाम बेहतर अच्छा ला सकें, उसके लिए भी उनको मोटिवेट किया जा रहा है। उनको साथ साथ उनकी क्लासेस में उनको जो है टिप्स भी दी जा रही हैं और आशीर्वाद स्वरूप आज उनके लिए एक फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया, जिससे थोड़ा सा बच्चों का कक्षा 9 के बच्चे जो हैं उनको अपनी तरफ से विदाई देंगे। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है, साथ में उन बच्चों को फेयरवेल पार्टी के ऊपर लंच, उनके लिए गिफ्ट उन लोगों के लिए रखे हैं। और पूरे वर्ष भर जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन जिन्होंने किया है हमारी प्रतियोगिताओं में, जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर, राज्य स्तर पर भी हमारे बच्चों ने इस बार पुरस्कार लिए हैं, तो उन सभी बच्चों का हम सम्मानित भी करेंगे और ये ईश्वर से कामना करेंगे कि ये बच्चे आगे भी हमारे विद्यालय का रिजल्ट बेहतर से बेहतर लेके आए। जैसे पिछले वर्ष भी हमारे विद्यालय का रिजल्ट 87% था, हाईएस्ट परसेंटेज 85.4% थी। अब हम चाहेंगे हमारा स्कूल और इससे आगे की तरफ बढ़े, हमारे बच्चे और बेहतर प्रदर्शन करें। और जो मेरी शिक्षिका
आए हैं, मेरे साथीगण हैं, उन्होंने सब ने बच्चों के साथ बहुत पूरे साल भर जो मेहनत करी है, आज उनके लिए भी मेरे लिए एक विशेष दिन है। उनके लिए भी मैं थोड़ा सा गेम रखा है ताकि जो है उन टीचर्स को भी थोड़ा सा लगे कि हाँ आज वो कुछ थोड़ा सा फ्री, मतलब अपने आप को रिलैक्स महसूस कर सकें और वो भी इस कार्यक्रम का आनंद ले सकें। ऐसी हमारी भगवान से शुभकामनाएँ हैं, भगवान से हम लोग आशीर्वाद मांगते हैं, ठाकुर जी की कृपा रहे हमारे विद्यालय पर और लोहवन की, जैसे कृष्णा कुंड वाली देवी माँ हैं, हम लोग सरस्वती के उपासक हैं, तो जो है हमारे बच्चे अच्छा प्रदर्शन करें, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं।